और आपको बता दें कि लगातार प्रगासस को लेकर जो विवाद जारी है उसमें आपको बताएं कि इजरायली समूह एनएसओ ने अपने सॉफ्टवेयर प्रगासस के खिलाफ जो जासूसी का मामला लगातार आरोप लगाया जा रहा है उस पर मेरनाव को अब एक जवाब दिया है। इस जवाब में आपको बता दें कि उसके द्वारा कहा गया है एनएसओ ने न्यूज वेबसाइट द वायर में छपी सभी रिपोर्ट्स का खंडन किया है। इसके अलावा उसके द्वारा कहा गया है कि जो 50,000 मोबाइल नंबर्स लिंक होने की बात की जा रही है वो पेगासस से लिंक ही नहीं है। आपको ये भी बता दें कि एनएसओ का कहना है कि मीडिया अच्छी हेडलाइन बनाने के लिए सूचनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। और पेगासस से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको यहाँ पर हम बता दें, द वायर की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं दुनिया भर के 14 बड़े नेताओं को भी निशाना बनाया गया है। 14 बड़े नेताओं को दुनिया भर के निशाना बनाया गया। इसमें आपको बताएं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल और मोरक्को के राजा मोहम्मद III का नाम शामिल है। आपको ये भी बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय ने फ्रांसीसी अखबार को दिए बयान में कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो वाकई में बेहद गंभीर मामला है। और हमारे सहयोगी आयुष्मान इस वक्त हमारे साथ जुड़े ज्यादा अपडेट लेकर। आयुष्मान, अब सीधे सीधे ये बड़ी खबर आ रही है कि जो लगातार पेगासस पर विवाद हो रहा है, हमारे यहाँ मानसून सत्र में भी विपक्ष लगातार हमलावर है केंद्र सरकार पर, सरकार पर। साफ तौर पर देखें तो अब इसमें ना सिर्फ भारत के बल्कि विश्व स्तर के 14 बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। जी हाँ बिल्कुल श्वेता, और आप देखें तो कहीं ना कहीं एक प्रोब की भी बात बाकी देशों में की जा रही है जिससे कि विपक्ष को हथियार मिलेगा। लगातार विपक्ष पिछले 2 दिनों से मानसून सत्र को ढंग से चलने नहीं दे रहा, क्योंकि उनका मानना है कि जिस तरीके की ये जासूसी उनके हिसाब से हुई है उसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक गठन होनी चाहिए और उस जेपीसी के अंदर इसकी जांच होनी चाहिए। अब देखना अहम होगा कि क्या सरकार करती है ये जांच, क्योंकि बहस के मुद्दे पर अभी तक जितने नोटिसेस दिए गए उनमें उस तरीके से बहस हुई नहीं जिस तरीके से विपक्ष आ रहा था, और आपको इसी के कारण लगातार रिपीटेड एडजमेंट्स देखने को मिले हैं। भारत सरकार ने अपना पक्ष साफ कर दिया है कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हालांकि जिन्होंने पक्ष साफ किया है उनका नाम खुद उस लिस्ट में है। देखना अहम होगा कि ऐसे नाम जैसे अभिषेक बनर्जी, प्रशांत किशोर, राहुल गांधी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लगाने वाली महिला, उनके नाम जब आए हैं तो जरूरी है ये मामला बहुत जल्दी ठंडा नहीं होने वाला। लेकिन क्या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये जांच होगी, देखना अहम होगा श्वेता। जी ये देखना अहम होगा। फिलहाल आयुष्मान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि दूसरी रिपोर्ट में अपनी दवायर ने क्या कुछ बताया, उसमें क्या खुलासे किए हैं आपको ये बता दें। जेएनयू के स्टूडेंट उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य के अलावा अशोक भारती कई नंबर भी लिस्ट में शामिल है। दवायर की दूसरी लिस्ट में ये सामने आया। इसके साथ ही एकेडमिक बेला, आपको बता दें कि बेला भाटिया और दिल्ली की लेबर राइट्स एक्टिविस्ट अंजनी कुमार का नाम भी इसमें शामिल है।